नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहर्जी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानमंडल का ऐतिहासिक दिन, सदन में कार्यवाही का पूरा दिन महिलाओं के नाम। पहली बार दोनों सदन में गूंजी महिलाओं की आवाज। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने भी किया संबोधित। टेरर फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप पर एनआईए ईडी का एक्शन। यूपी तेलंगाना समेत 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। विरोध कर रहे करीब 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव। भाई ने दी राजू को मुखाग्नि। सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडाकर समेत कई सेलेब्स रहे मौजूद। यूपी के इटावा में बारिश का कहर। 3 अलग अलग हादसों में सगे भाई बहनों समेत 7 की मौत। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। गोरखपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा। 1 मजदूर की मौत, दूसरा घायल। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। यूपी विधानमंडल में आज का दिन ऐतिहासिक है। सदन में कार्यवाही का पूरा दिन महिलाओं के नाम रहा। पूरे दिन केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और लैंगिक भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बताएं, महिला जनप्रतिनिधियों की आवाज सदन में सुनाई पड़ी। संभवत यह पहली बार है जब देश की किसी विधानसभा में इस तरह की पहल की गई। तो वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिला सदस्यों को समर्पित सदन की कार्रवाई में अपना संबोधन दिया। बता दें कि 19 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही सभी दलों की महिलाएं विधायकों से इस दिन को लेकर चर्चा की गई थी, ताकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी इसमें शामिल हो। इस दौरान हर महिला विधायक को कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया। उसमें महिला विधायकों ने अपने तय मुद्दे पर बात रखी। एक खास बात यह भी रही कि महिलाओं को इस दिन विजिटर्स गैलरी में बैठकर सदन की कार्रवाई देखने का मौका मिला। इसके लिए खास तौर पर डायरेक्टर, शिक्षिका और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं को आमंत्रित किया गया। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का, आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही है, उन सब का, मैं जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे, मुझे लगता है अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगे, बहुत अच्छा उसकी एक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा, अपने दिन भर अपनी बात को बोले, नियमों को आज शिथिल करते हुए एकदम कोई वो नियम नहीं, सभी अपने दिन भर अपने भाषण, दिन भर भाषण इनके चले और फिर वो प्रकाशन भी हो। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीजें आएं,
और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापा मारा। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में एक दर्जन से अधिक केस दर्ज किए जिसमें पीएफआई का लिंक मिला। आपको बताएं, ईडी, एनआईए और राज्य पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां 13 से ज्यादा राज्यों में हुई। जानकारी के अनुसार एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियां, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। तो वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर में दर्जी का काम करने वाले पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही बाराबंकी निवासी नदीम को हिरासत में लिया गया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। दिल्ली के दिगंबोर शमशान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई ने राजू को मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके फैमिली मेंबर्स सुनील पाल, एहसान कुरैशी, मधुर भंडारकर समेत कई सेलेब्स मौजूद रहे। बता दें कि 1.5 महीने से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर में रहने के बाद आखिरकार 21 सितम्बर को 58 साल की उम्र में राजू का निधन हो गया। उनको 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ही वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में 42 दिनों से एडमिट थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस्लामिया कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत गिरने से हड़कंप मच गया। इस दौरान छत के मलबे में 2 मजदूर दब गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने एक मजदूर को मौत की पुष्टि दी तो वहीं दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुए हादसे को लेकर डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी अब घटना की जाँच करेगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के चलते आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने और मुख्यमंत्री से सम्मानित युवक आदर्श मिश्रा की हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुख्य आरोपी गोल्ड यादव का भाई मोनू यादव गोली लगने से घायल हो गया। तो वही 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी की ओर से किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। इस बीच आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई का भी आश्वासन दिया।